नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे, कोई रिश्ता अगर आपका आता है और मना हो जाता है तो क्या करें, या कोई ऐसी शादी जहां तक आपकी पूरी बात पक्की हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, बस सिर्फ निकाह की तैयारी थी और अचानक से मना हो जाता है, या कोई ऐसा रिश्ता जिसमें लड़की मना कर दे कि मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी है, या कोई ऐसा रिश्ता जिसमें लड़का मना कर दे कि भाई मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। आज तक समझो वो लड़के ने लड़की को झांसा देते हुए आया है कि भाई मैं तुझसे शादी करूँगा, मैं तुझसे शादी करूँगा, या लड़की ने उसको झांसा दी हो कि मैं तुझसे शादी करूँगी, मैं तुझसे शादी करूँगी, और ऐन वक्त के ऊपर आकर उसको छोड़ देते हैं, तो क्या किया जाए। और ऐसे रिश्ते जो जिनकी बातचीत हो जाती है, बहुत रिश्ते अच्छे चलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ किटपिट के कारण, या कुछ ना कुछ टाल मटोल के कारण, या फिर आगे पीछे डेट बढ़ा देने की वजह से, या पता चला लड़के का कैरेक्टर सही नहीं है लड़की का, तो ऐसा कुछ मतलब हरकतें हो जाती है, तो वो बात अलग हो जाती है कि भाई रिश्ते को हमने जब देखा कि लड़के का कैरेक्टर ठीक नहीं है उसको हमने मना कर दिया। लेकिन जब रिश्ते में कोई खोट नहीं, लड़का अच्छा, लड़की अच्छी, सब सही चल रहा हो, अचानक से रिश्ते के लिए मना हो जाए, लड़की वाले वो मना कर देते फ़ोन करके, या लड़के वाले मना कर देते, जबकि समझो देखो, एक होता है रिश्ता देखना और एक होता है जिसकी बातचीत पूरी पक्की होकर रिश्ते को सिर्फ 75% 80% तक पहुंचाना, उसके बाद थोड़ा सा बचा उसके बाद उसको भी निपटा दे शादी करके, या निकाह करके, या विवाह करके। अब ऐसे टाइम पर अगर मान लेते हैं कि रिश्ता टूट जाता है तो ऐसे में आदमी क्या करेगा बताओ। तो इस अमल को जो मैं बताने जा रहा हूँ हजरत, अब ध्यान से पहले इसको समझ ले, क्योंकि सब कुछ नसीब का खेल है, मुकद्दर का खेल है, जितना जिसके नसीब में लिखा है, जैसे कहते हैं ना, भाग्य में लिखा है तो भाग कर आएगा, अगर नहीं लिखा है तो आकर भी भाग जाएगा। तो इसके लिए ऊपर वाले को या भगवान को दोष देना बेकार है। जितना जो अगर तुम्हारी नसीब में, यू आर मेड फॉर ईच अदर, अगर आप दोनों दूसरे के लिए बने हो तो किसी का बाप तुम लोग दोनों को अलग नहीं कर सकता। यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, तो किसी का बाप कोई दुआ तावीज़ से तुमको मिला नहीं सकता। तो याद रखिए, जो अमल मैं बताने जा रहा हूँ बहुत बेहतरीन है, ज़बरदस्त अमल है, और सूरे नास कुरान शरीफ की एक ऐसी आयत है जो सूरे नास यानी हमारी सारी मुसीबतें, परेशानी, बीमारियों को दूर करने के साथ साथ हमारे रास्तों को भी खोलती है, और हमारे रिश्तों को भी जो दरारें पड़ गई उनको दूर करती है, और रिश्ते को भी गायब से लेकर आती है। यानी कि आपके घर में शादी का निमंत्रण नहीं होता, जैसे मान लेते हैं इसके अंदर तीन स्टेप है। आप पहले मेरे स्टेप को ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तीनों स्टेप में आपको एक लोहे का, यानी एक लोहे का पत्रा आपको ढूंढना है। अगर लोहे का पत्रा आप नहीं ढूंढ सकते हैं तो आप चांदी का पत्रा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चांदी का पत्रा, लोहे का पत्रे के ऊपर आपको जो ये नक्श मैं बता रहा हूँ, इस नक्श को आपको सुई से या चाकू की नोक से आपको उसके ऊपर लिखवा लेना है, या लिख लेना है, कुलौज रबिनास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिनसरिल वसवासिल खन्नास अल्लजी युवस्वीसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नतिल वन्नास। तो इस नक्श को लिखने के बाद आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, तीन तरह की मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आप लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं, और आपको देखने के लिए कोई ऐसा रिश्ता आ रहा है जिसके लिए आप मरे जा रहे हो कि ये रिश्ता पक्का होना चाहिए, ये रिश्ता पक्का होना चाहिए बोल के आप मरे जा रहे हो कि आपका ये रिश्ता होना चाहिए, या लड़की वाले हैं कि नहीं ये वाले जो आ रहे हैं, ये वाला फ़ोटो जो हमने देखा था ये तो पक्का होना ही चाहिए। तो आपको करना क्या, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, किसी भी नदी तालाब से या समुद्र से थोड़ा सा पानी आपको लेकर आना है। सबसे पहला जो रिश्ते के लिए हम मरे जा रहे हैं कि ये रिश्ता होना चाहिए, उस रिश्ते के बारे में बात करते हैं। तो जो भी पानी की बोतल आप भर के लाएंगे, समुद्र का पानी या झील का पानी, नदी का पानी, कुएं का पानी, आप जो भी बोतल में, वो बोतल नई होनी चाहिए, उसमें बोतल के किनारियों के ऊपर मुंह नहीं लगा होना चाहिए, मुंह लगने से वो चीज़ नापाक हो जाती है। और आप जब भी लाए तो पाक साफ रहे, फिर उस नक्श को लिखवा ले या लिख ले आप, जैसा आपको लिखने आ जाए, हिंदी में आता तो हिंदी में लिख ले, उर्दू में तो उर्दू में, या जिस भाषा में आप चाहो उसको नक्श को उस पत्रे पर, या लोहे के पत्रे पर, या फिर आप चांदी के पत्रे पर उसको खोद ले या लिख ले। उसके बाद आपको उस पानी से उसको धोना है। उसके बाद एक मिट्टी की छोटी सी मटकी आपको लेनी है, मिट्टी की छोटी सी मटकी जो लोटे से भरा थोड़ी बड़ी होती है, उसमें आपको आधा पानी भर देना है, और उतना ही आपको शक्कर भी डाल देना है। और ये शक्कर बिल्कुल पानी तक बराबर पहुंचे, लेकिन पानी से ऊपर शक्कर नहीं होनी चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, और उस नक्श को उसके ऊपर रख दें। यानी उस नक्श को, तो नक्श पानी के अंदर भी रहे और शक्कर के ऊपर भी रहे, लेकिन नक्श दिखता रहे। आप जब भी कोई रिश्ते वाले आने वाले रहेंगे ना, तो आप याद रखिएगा उस नक्श को, इस चीज़ को बना के आपको एक दिन पहले रख देनी है पानी को, और ढाप के रख देना है। उसके बाद उसको उठाना है, उसी नक्श से उस पानी को लेना है, ऐसे हिलाना है अंदर उसको,
उस पानी को और अपने दरवाजे के बाहर घर के बाहर थोड़ा सा छींटे उड़ा देना है, वो नक्श से आपको उड़ाना है, याद रखिएगा, लोहे के पतरे से या चांदी के पतरे से आपको उस पानी को ऐसा उड़ाना है, यानी आने वाले रास्ते तरफ की जो रिश्ता आ रहा है इसका मीठा मीठा काम हो जाए, अच्छे से काम हो जाए या बात बन जाए। और दूसरा तरीका इसके अंदर ये है कि इसी तरह के नक्श को बना कर ले जाकर, अब इस नक्श के अंदर जो मैंने बताया इसमें नाम नहीं था, बराबर ना, फला बिन फला जो लिखते ना, तो अब इसमें नाम नहीं है। अब जब दूसरा नक्श को ऐसा जिसका हमने बातचीत कर लिया और वो लोग मना कर रहे हैं और हमको, तो वहाँ उसे घर के आसपास जाके आपको इस पानी को, लेकिन इसके नीचे जो नक्श होगा ना उसके नीचे आपको उसका नाम, यानी लड़का होगा तो लड़के का नाम और उसके माँ बाप का नाम आपको ज़रूर लिखना है। उसके लिखना है लड़का नाम रिजवान, माँ का नाम आगे ये, बाप का नाम आगे ये, ऐसा आपको लिखना है। तो आप ऐसा लिखने के बाद उसके अंदर फिर उसी वही नक्श को मटकी को पकड़ के जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे तब आप साफ सुथरे पाक साफ रहे और घर में अगरबत्ती लगा के निकलना है और अगरबत्ती की जो दो अगरबत्ती लगाने का मटकी को भी दो अगरबत्ती दिखा देना है, फिर लेने उसमें से वही नक्श को छिड़क यंत्र से डुबाना है और उसको छींटे उस पानी के वहाँ पर हवा में आपको उड़ा देना है। और यानी अगर आप उसे घर तक जाके डाल सकते तो बहुत बड़ी बात है, नहीं डाल सकते तो आप रास्ते में ही कहीं उड़ा दे उसके आने जाने में, भले ही आप 1 किलोमीटर दूर उड़ा दिए ये समझ जाए कि ये इनका रोज का आने जाने का रास्ता है, तो भी आप उड़ा देंगे तो चल जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप चाहे तो इस मटकी के साथ इस नक्श को लिखा हुआ पानी के साथ, पानी के साथ शक्कर अंदर पड़ा हुआ है, पानी है नक्श, उसी नक्श में रखे समुद्र में या बहते हुए नदी में जाए और ऐसा थोड़ी दूर आगे बढ़ा के छोड़ दें। आप नहीं कर सकते किसी और से करवा दीजिए, लेकिन डलवा दीजिए, लेकिन उस नक्श के अंदर याद रखिएगा आप अपना अपने माँ बाप का नाम, उसका उसके माँ बाप का नाम, और नीचे लिखना है कि शादी हो जानी चाहिए। लेकिन ये जो मैंने बताया ना ये केवल जायज़ कामों के लिए, और इसके ऊपर आपको 41 मरतबे सूर्यनाश भी पढ़ना है। ये तीनों के अंदर आपको सूर्यनाश 41 बार पढ़ना है, ध्यान रखिए तीनों तरीके के अंदर, तीनों प्रैक्टिकल के अंदर सूर्य नास पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज बिरब्बिल नास, मलाइकिन नास, इलाही नास, मिन शरिल वसवासिल खन्नास, अल्लजी युवस्वीसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नतिल वन्नास। 41 मरतबे आपको पढ़ना है, फूकते आना 41 मरतबे पढ़ना है, फूकते आना, याद रखिएगा, और तब जाके वो चीज़ काम करेगी। उसके बाद जब आप उसको पानी में डाल दे तो घर आ जाए, मुँह धो के सो जाए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह, आपका गैब से रिश्ता हो जाएगा या आपको वो रिश्ते वापस से बुलाया जाएगा, रिश्ता अच्छा हो जाएगा आपका, और जो दरारी दिल में पड़ी थी दोनों तरफ से वो हट जाएगी और लड़का भी मान जाएगा, लड़की के घर वाले लड़के के घर वाले सब मान जाएंगे। लेकिन जायज़ समझते जिस चीज़ की बात चल रही है, जो लगता है कि होने वाला है, जिस चीज़ जबरदस्ती मुझे ये पसंद है मुझे ये ही करना है, तो भैया ये सब तंत्र मंत्र करके अमलियात करके ना खुद का टाइम वेस्ट करो ना फिर फालतू में अपना मोकिलों का टाइम वेस्ट करो, कुछ होने वाला नहीं है। आप 50% आपको पसंद है, फिर आप उसने देखा ही नहीं सामने वाले और आप अपनी तरफ से तैयार हो गई, कह रहे नहीं मुझे तो इससे करना, लड़का बोल रहा नहीं मुझे इसी लड़के, 50-50% नहीं चलता। अगर सब मिल के घर वाले बैठ के बातचीत कर रहे हैं और रिश्ते को जायज़ और करार दिया जा रहा है कि ये रिश्ता होना चाहिए, ऐसा ऐसा रिश्ता आया है, लड़की भी तैयार लड़का भी तैयार है, या लड़की लड़के में दोनों में प्यार था और प्यार है, रिश्ते की बात चली, शादी की बात चली, अचानक से सब गड़बड़ हो गया, उन लोगों के लिए मैंने ये बताया, ध्यान रखिएगा, ये फालतू कामों के लिए नहीं है कि मुझे लड़की पसंद है तो मैं इससे रिश्ता करूँगा, शादी करूँगा, भसीकरण करूँगा, इसको अपनी तरफ करूँगा, या मुझे लड़का पसंद है मैं उसके लिए छोड़ दूँगा, तो भाई ये सब मत करना, वो प्रैक्टिकल टाइम पास हो जाएगा, खाली आपका भी नुकसान, समय का भी नुकसान और मुवक्किल भी आपके ऊपर छिड़के चले जाएंगे ताकि दोबारा आपकी कोई मदद नहीं करे, ठीक है। अगर आप लोग इसको सही तरीके से करते हैं तो इंशाल्लाह रिश्ता ज़रूर हो जाएगा, और अगर नहीं करते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ऐसी रहस्यमय अमलियात टोनी टोट के साधनाएं वजीफे विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग में आप लोग के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा रहस्यमय कोड, संपूर्ण पुस्तक को खरीदना ना भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।